नागपुर में 3 जून को युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के तहत नेहरू युवा केंद्र, जिला प्रशासन और मध्य रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित साइकिल रैली में 100 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। यह कार्यक्रम विश्व साइकिल दिवस के साथ साथ स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित किया गया था। कलेक्टर आर विमला द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद रैली रेलवे स्टेशन क्षेत्र से होकर गुजरी। जिला प्रशासन और मध्य रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से 3 जून को भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे युवाओं ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के साथ साथ देश में एकता और भाईचारा बनाए रखने की जिम्मेदारी युवाओं की है, ऐसा आर विमला ने कहा। इस साइकिल रैली में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर नागपुर रेलवे स्टेशन के निदेशक दिनेश नागदेव, महाराष्ट्र और नेहरू युवा केंद्र के गोवा मंडल के पूर्व उपनिदेशक शरद सालुंखे, गौरव दलाल, जिला युवा अधिकारी उदयवीर उपस्थित थे। स्वतंत्रता के अमृत पर्व पर विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर नागपुर समेत देश के 75 ऐतिहासिक स्थलों पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया था। साइकिल रैली नागपुर रेलवे स्टेशन से शुरू हुई। 7.5 किलोमीटर साइकिल रैली कस्तूरचंद पार्क, आरबीआई चौक, लेडीज क्लब चौक, अहिंसा चौक, 0 माइल फ्रीडम पार्क, मेट्रो स्टेशन होते हुए रेलवे स्टेशन पर लौटने के बाद समाप्त हुई। रैली में जिले के 110 से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट।